राघोगढ़ की निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनपद अध्यक्ष धापुबाई ने आज फिर जनसुनवाई में अपनी अवहेलना का प्रशासन पर लगाया आरोप। जनसुनवाई में कहा, अधिकारी उनके पत्रों को नहीं देते हैं तरजीह, डालते हैं कचरे में। विधायक प्रतिनिधि राम सिंह भील ने भी आरक्षण का लाभ न मिलने का लगाया आरोप। अपनी मांगों के समर्थन में आज जिले भर के निजी स्कूल हुए लामबंद। निजी विद्यालयों ने सांकेतिक रूप से विरोध स्वरूप आज रखे विद्यालय बंद। अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मधुसूदनगढ़ के चंदेरी नदी में तैरती मिली महिला की लाश, पुलिस ने लाश को भेजा पीएम के लिए, अब तक महिला की नहीं हो सकी है शिनाख्त। नागरिकों ने लगाया पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप। काफी समय बाद जनसुनवाई दिखी फीकी, अधिकारी दिखे सुकून में। काशोड़ा के ग्राम कोलुखेड़ी में बगैर कार्यकीय सरपंच और सचिवों द्वारा 21 लाख रुपए की राशि का अवैध आहरण करने के खिलाफ आज ग्रामीणों ने फिर जनसुनवाई में लगाई गुहार। अधिकारियों ने दिया एक बार फिर आश्वासन। अध्यापकों के शिक्षा विभाग में हो रहे संविलियन को लेकर शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तरों पर हो रहा है अध्यापकों के दस्तावेजों का सत्यापन। बच्चों की दक्षता बढ़ाने के लिए चयनित 60 शालाओं का गतिविधि आधारित प्रशिक्षण आज से गुना में हुआ आरंभ। प्रथम चरण का जो प्रशिक्षण है वह चलेगा 31 अगस्त तक। दूसरा चरण 4 से 7 सितंबर तक लगाया जाएगा। नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने कल रात भुजरिया मिलन समारोह का किया आयोजन। लोगों को दी भुजरिया की शुभकामनाएं और बदली भुजरिया। गोरक्षक कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के पास नाले में फंसी गोमाता को सुरक्षित निकाला बाहर, घायल गोमाता का किया उपचार। म्याना क्षेत्र में एक युवक ने जबरन एक बालिका को उठाकर ले जाने का किया प्रयास। छुड़ाने गए परिजनों के साथ आरोपी ने की मारपीट। फरियादी ने अपनी शिकायत दर्ज न करने का भी लगाया आरोप। आज गुना में जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय को सौंपी अपनी शिकायत। गुना के दुग्ध शीत केंद्र में ठेका श्रमिक द्वारा कार्य में हेराफेरी और नकली दूध बनाने की शिकायत लेकर शहर के एक नागरिक ने जनसुनवाई में दिया आवेदन, तत्काल हटाने की मांग। ग्राम पिपरिया में जातिगत आरक्षण के विरोध करते हुए ग्रामीणों ने आर्थिक आरक्षण की मांग। गांव में जगह जगह आरक्षण के विरोध में राजनीतिक पार्टियों से वोट न मांगने की अपील। आगामी 2 सितंबर को आयोजित होने वाली लवकुश जयंती के तारतम्य में जिले भर में उत्साह से मनाने के लिए कुशवा समाज ने रवाना किया जागरूकता रथ।